नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। प्रॉपर्टी बाजार के जरिए हम आपको बताते हैं कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां से ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकते हैं और कौन कौन से वो इलाके हैं जो आपकी सुविधा के हिसाब से, आपकी जेब के हिसाब से आपके लिए वाजिब हैं। आज हम मसला लेकर आए हैं बेहतर कनेक्टिविटी के हिसाब से, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां मेट्रो जल्द पहुंचने वाली है और कहां कहां पर आपको मेट्रो की सुविधा और रहने का हिसाब से आपका मनपसंद आशियाना मिल सकता है। महानगरों में लोग उन्हीं इलाकों में बसना पसंद करते हैं जहां मेट्रो और सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर होती है। दिल्ली में तो कई लाइनें बिछ चुकी हैं। इधर फरीदाबाद के बाद वल्लभगढ़ और गाजियाबाद में मेट्रो विस्तार का काम जोर शोर से तेज हो गया है। एनसीआर में रहने वालों के लिए खुशखबरी है कि गाजियाबाद में दिलशाद गार्डन से नया बास बस अड्डे तक मेट्रो की एक नई लाइन बिछाने का काम शुरू होने वाला है। इससे पहले इंडरपार में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने लगी है। इसी तरह पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ इलाके को भी मेट्रो से जोड़ने का काम जोर शोर से चल रहा है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के अलावा गाजियाबाद के इंदिरापुरम से लाल कुआ चौराहे तक मेट्रो लाइन बिछाने पर भी जीडीए ने मंथन शुरू कर दिया है। और क्या मेट्रो वाकई एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार की दिशा बदल देगी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद वासियों को जीडीए का तोहफा, मेट्रो पर इंदिरापुरम से नोएडा का सफर अब दूर नहीं। दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक जाएगी मेट्रो। गाजियाबाद में रहने वालों को जीडीए की तरफ से एक और तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, अब जल्द ही गाजियाबाद में रहने वालों के लिए यातायात हो जाएगा आसान, क्योंकि जल्द ही मेट्रो दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा के बाद अब मेट्रो का अगला चरण इंदिरापुरम से लाल कुआं तक चलती नजर आएगी। सेक्टर 62 से इंदिरापुरम तक मेट्रो विस्तार का प्रस्ताव जीडीए से मिला है। इस पर विचार और जरूरी प्रक्रियाएं जारी हैं और इस समय डीएमआरसी करीब 140 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक के निर्माण में लगी हुई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मेट्रो विस्तार का काम शुरू करने के लिए एक महीने के अंदर जीडीए डीएमआरसी को 25 लाख रुपए का चेक दे देगी। इस मामले में MOU साइन होना शहरवासियों और प्राधिकरण के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लालकुआ मेट्रो की DPR के लिए 25 लाख रुपए का चेक DMRC को भिजवाया जाएगा। मेट्रो तीसरे फेज में वैशाली से इंदिरापुरम से नोएडा सेक्टर 62 के रास्ते गाजियाबाद के लालकुआ तक आएगी, जहां इससे लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मेट्रो की एक्टिविटी बढ़ने के साथ ही हॉट सिटी माने जाने वाले गाजियाबाद शहर में प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ने लगे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए बिजनेस डेस्क से मनु लखोत्रा की रिपोर्ट। तो मेट्रो का नाम सुनते ही जाहिर है गाजियाबाद वालों के लिए खुशी का माहौल बनता जा रहा है और प्रॉपर्टी जो है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की ओर जा रही है। इजाफा जो है वहां पर तमाम जो प्रॉपर्टी के दाम है जो वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगे हैं, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ पार्श्वनाथ ग्रुप के एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट विवेक गर्ग जी हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शौर्य अग्रवाल, एशियन ग्रैनिटो प्राइवेट लिमिटेड के AGM रविशंकर सिंह जी हैं और साथ ही साथ हमारे बिजनेस एडिटर राय तपन भारती जी। आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी बाजार में। राय तपन भारती जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। मेट्रो जो है जाहिर है दिल्ली वासियों के लिए इस वक्त शुरुआत हुई थी, एक बड़ी जो है खुशखबरी लेकर आई थी और शायद लोगों को उस वक्त ये अंदाजा नहीं होगा कि आने वाले वक्त में मेट्रो किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी के जो दाम है उन्हें बढ़ाने वाली है। जहां तक कनेक्टिविटी की बात है वो तो सुधरी ही है, अब वही फायदा कहीं ना कहीं NCR में भी मिलने वाला है, खासकर जिस तरीके से हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक मुझे याद है, मैंने 20 साल पहले की बात है, फरीदाबाद गाजियाबाद को बहुत आकर्षक शहर नहीं माना जाता था। गाजियाबाद तो मेरठ जिले को डिवाइड करके बनाया गया था और बाद में गाजियाबाद को डिवाइड करके फिर नोएडा एक अलग जिला बना। तो गाजियाबाद को बहुत ही गरीबों का या निम्न मध्य वर्ग का शहर माना जाता था, लेकिन जब GDA ने और UP आवास विकास परिषद ने मिलकर वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, विजयनगर तमाम इलाकों, प्रताप विहार को आइडेंटिफाइड किया, उस पर डेवलपमेंट का काम किया और इसी बीच जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, शाहदरा की तरफ रेल का निर्माण हुआ जो दिलशाद गार्डन तक आया और फिर वैशाली तक जो हमने UPA शासन में देखा उसका विस्तार हुआ, उसकी वजह से ये इलाका
बहुत प्राइम लोकेशन में इसकी गिनती होने लगी। यहाँ बसना और रिहाइश मकान बनाना, फ्लैट लेना एक गर्व की बात मानी जाने लगी, सुविधाएं बढ़ गई। हालांकि कुछ कमियां अभी भी हैं, जैसे कि आपको बताऊं कि बिजली की जो इंफ्रास्ट्रक्चर या व्यवस्था जितनी अच्छी दिल्ली में है आज भी यहाँ नहीं है। कोशिश हो रही है, दबाव हो रहा है मीडिया के ऊपर, मीडिया भी लगातार दबाव बना रहा है कि यूपी सरकार दिल्ली की तरह बिजली व्यवस्था दे दे, लेकिन मेट्रो कनेक्टिविटी एक वास्तव में बड़ा उपहार है। लोग सुरक्षित, खास करके महिलाएं लड़कियां वैशाली मेट्रो तक सुरक्षित आती हैं या दिलशाद गार्डन तक, वहां से उनके परिवार वाले घर ले जाते हैं। यदि उसका विस्तार होता है उनके मोहल्ले तक यदि मेट्रो ट्रेन जाती है तो ये अनुपम उपहार होगा गाजियाबाद शहर के लिए। जी बिल्कुल। शौर्य गर्ग जी, आपको लगता है कि जो फायदा दिल्ली वालों को हुआ है मेट्रो से, वैसा ही कुछ फायदा एनसीआर वालों को भी हो सकता है? और कहीं ना कहीं जो एक कहा जाता है कि एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं वो दिल्ली वालों की बराबरी नहीं कर पाते, खासकर प्रॉपर्टी के दाम को लेकर। जरूर एनसीआर वालों को भी उतना ही फायदा होगा। अभी जो एनसीआर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर आप नोएडा देखें, नोएडा एक्सप्रेसवे देखें, ग्रेटर नोएडा देखें, थोड़ी कनेक्टिविटी की हर जगह प्रॉब्लम है। सारे ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं है कि लोगों को अपने ऑफिस जाना है या कहीं मार्केट जाना है तो उनको के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे नहीं है। मेट्रो के आने के साथ ही उनके पास सारे पब्लिक, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाएंगे। उनके जो फ्लैट रेट्स हैं, जो उनकी जगह की कीमतें हैं, वो बढ़ेंगी उन्हें जैसे दिल्ली में बढ़ी। दिल्ली में भी कई जगह, जैसे आप देखें मयूर विहार फेस वन जो नोएडा के बिल्कुल पास है, उसमें जैसे ही मेट्रो आई उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई। उसी तरीके से जैसे नोएडा में भी सेक्टर 50 तक मेट्रो है, तो वहां तक जितने भी सेक्टर्स बीच में कवर हुए उन सब ने लोगों ने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखा। अब वो आगे जानी है, सेक्टर 62 की तरफ जानी है, फिर उधर गाजियाबाद निकलेगी, एक मेट्रो ग्रेटर नोएडा जाएगी, एक नोएडा एक्सटेंशन की तरफ से जाएगी, एक परी चौक की तरफ से जाएगी। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रहा है नोएडा में वो भी बताता है ये मेट्रो का जो नया प्रोजेक्ट पास हो रहा है। एंड इससे चारों ही तरफ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस के कारण एप्रिसिएशन उनके फ्लैट्स वगैरह पे भी आएगा। जी विवेक जी, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो बूम देने की कोशिश की जा रही है उसमें मेट्रो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान देने वाली है, खासकर एनसीआर की प्रॉपर्टी को, और फायदा मिलने ही वाला है? जैसे कि कनेक्टिविटी है वो एक मेजर इशू है, और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और आदमी को जो सुविधाएं नॉर्मल जीने के लिए चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। हमें याद है कि 2 दशक पहले नोएडा में के डेवलपमेंट में डीटीसी का बहुत बड़ा हाथ था, डीटीसी की बसें चलने लगी, नोएडा लोग आने लगे। उसी तरीके से मेट्रो का विस्तार और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एनसीआर उसके आस और दिल्ली और उसके इलाकों को काफी बढ़ावा देने वाला है। जी अब जाहिर है मेट्रो जिस तरीके से अपना एक्सटेंशन बढ़ा रही है उसी तरीके से एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम भी यहां पर बढ़ रहे हैं। रविशंकर जी, आपको क्या लगता है मेट्रो के आने से, बेटर कनेक्टिविटी से जो दायरा है एनसीआर का वो कम हुआ है, कम इन द सेंस कि लोग जो हैं अब उन जगहों को भी चिन्हित करने लगे हैं रहने के लिए, जो अमूमन मानी जाती थी कि वहां तक पहुंचना या वहां से अपने जो उनका जॉब प्लेस है वहां तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और लोग जो हैं अब इंटरेस्टेड हैं उन तरीके, उन जगहों के लिए, उन प्रॉपर्टीज के लिए जो अब दिल्ली से भले ही दूर हों लेकिन वहां की कनेक्टिविटी बेटर है। बिल्कुल सही कहा आपने, मेट्रो हमेशा से एक गेम चेंजर रहा है। अगर प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें हम तो आपने देखा होगा द्वारका, कई साल पहले द्वारका का डेवलपमेंट हुआ पर द्वारका वहां पर लोग जाना नहीं चाहते थे। जैसे ही द्वारका में मेट्रो आया वहां की प्रॉपर्टी, वहां का डेवलपमेंट, वहां का बसावट, हर कुछ बदल गया। मेट्रो के आने से एक तो सर आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो भी बढ़ जाता है, कमर्शियल एक्टिविटी और जो रेजिडेंशियल जो बसावट होती है वो साथ साथ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि जब मेट्रो में सेक्टर 50 तक मेट्रो की लाइन आई या वैशाली तक आई तो नोएडा सेक्टर 62 और नोएडा के जो अराउंड जो कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ वो काफी बढ़ गया। एक्सप्रेसवे पे भी काफी ऑफिसेज आने लग गए और जो वहां पर रोज काम करने वाले लोग जाते हैं उनका आना जाना बढ़ गया। इससे कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी, लोग अब चाहते हैं कि उस एरिया में रहें, तो बिल्डर ने वहां पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह डिजाइन किया। अब उस अपार्टमेंट्स का लॉन्ग टर्म और मिड टर्म में उसका रेट भी बढ़ रहा है।
तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ रेजिडेंशियल ही फायदा होता है, कमर्शियल भी और तमाम तरीके की चीजें हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मेट्रो से होता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सही ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है बेटर होनी चाहिए और लोग शायद जो है इसी वजह से वहां पर इंटरेस्ट भी लेते हैं। रविशंकर विवेक गर्ग जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये कनेक्टिविटी बढ़ी है, मेट्रो ने जिस तरीके से विस्तार करना शुरू किया है, रियल स्टेट सेक्टर को इससे कितना फायदा हुआ है? आज के दौर में अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों का मेट्रो में आना, इन्फ्लेक्स होना लगातार जारी है। इस तरीके से तो मेट्रो का विस्तार, उसके आसपास के एरियों का विकास सब जगह होना शुरू हो गया है और उसके लिए कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लोग घर, घर से काम, काम से घर, यहाँ आने जाने के लिए कनेक्टिविटी एक मेजर इशू है। तो उस हिसाब से कनेक्टिविटी का इशू और मेट्रो उस कनेक्टिविटी के लिए जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो प्रोवाइड कर रही है और उससे जो दूरी है वो समय के अनुपात में कम हो रही है, लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, उनकी मोबिलिटी बढ़ रही है, उसका जो फायदा है मेट्रो में रहने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए, सबके लिए बहुत कम है। लेकिन शौर्य देख, अबूमन अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जो तमाम बिल्डर्स हैं उनकी तरफ से अगर कोई एडवर्टीजमेंट दिया जाता है तो मेट्रो को खासकर एम्फेसाइज किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि मेट्रो से जो है इतनी दूरी है, इतनी मिनट की दूरी है, तो एम्फेसाइज करता है या कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आता है और जो निवेशक है या फिर जो खरीदार है उन्हें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने में कामयाब होता है इस तरीके की एडवर्टीजमेंट या इस तरीके की जो जानकारी दी जाती है? पूरी तरीके से जो होता है, जो भी एक ग्राहक अपने लिए घर ले रहा है उसको ये देखना होता है कि मैं अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं या मुझे कहीं जाना है, मेरी कनेक्टिविटी कैसे है, मेरे जो अपार्टमेंट्स हैं जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके आसपास कैसी कनेक्टिविटी है, ये उसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि सिर्फ ये उसके लिए एक स्टेटस सिंबल भी बन जाता है कई बार। इसके अलावा अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसके माइंड में ये भी आता है कि आज तक जहाँ भी मेट्रो गई है दिल्ली NCR में वहां पे प्रॉपर्टी बहुत अप्रिशिएट हुई है। तो एक तरीके से निवेशक अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे भी लगता है कि चाहे मैं रहूं ना रहूं मेरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी अप्रिशिएट होगी, मुझे अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे पैसे पे जो मैं लगा रहा हूं उस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है उनके डिसीजन में। जी रविशंकर जी, जिस तरीके से अभी DTC का जिक्र हो रहा था कि कनेक्टिविटी अगर बेटर होती है तो जाहिर है जो दाम होते हैं वो बढ़ते हैं, DTC इसमें पहले काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता था, अब उसकी जगह मेट्रो ने ली है। DTC और अगर मेट्रो का कंपैरिजन अगर हम यहां पर कर देखें, NCR की में भी बसें चलती हैं, DTC की अगर देखा जाए उस कंपैरिजन में मेट्रो को ज्यादा तवज्जो कहीं ना कहीं मिल रही है, मेट्रो की वजह से जो दाम है वो ज्यादा तरीके से या ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, लगता है आपको? बिल्कुल सही है, मेट्रो की जो ट्रैवल है काफी कंफर्टेबल है, AC एनवायरमेंट में लोग ट्रैवल करते हैं, स्पीड भी काफी अच्छा है, टाइम जो लगता है वो काफी कम है, और जो पोल्यूशन लेवल था DTC बसेस के चल रही थी तो वो भी काफी कम हो गया है। तो ओवरऑल मेट्रो के आने से जो डेवलपमेंट और जो कंफर्ट लेवल कम्यूटेशन में लोगों को हुआ है वो शायद DTC में नहीं था, और जिस प्रकार हर रोज लोगों को अपना 2 घंटा या 3 घंटा ट्रैवल करने में लगाना पड़ता है वो डेफिनेटली मेट्रो के आने से कम हो गया है। तो अब लोग, जैसे कि आप बता रहे थे कि अब दूर भी जाना लोग पसंद कर रहे हैं, लोग जहां भी अफोर्डेबल उनको उनके पॉकेट के हिसाब से लगता है वो दूर जाकर मेट्रो के आसपास रहना पसंद करते हैं, ना कि दिल्ली में जो जहां पर काफी ज्यादा प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर गई है और अब लोगों के पॉकेट से बाहर हो गया। NCR में कितना चेंज आया विवेक जी आपके हिसाब से, जो प्रॉपर्टी की जो दिशा है या रियल स्टेट का जो फिलहाल पैमाना है वो किस तरीके से बदला है आपके हिसाब से NCR में, कितना चेंज आया? NCR बेसिकली दिल्ली में हमेशा शॉर्टेज रही है सप्लाई की, मेट्रो के आने, कनेक्टिविटी बढ़ने से NCR को ये फायदा हुआ है कि नए नए एरियाज खुले हैं रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए, नए नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, लोगों को वहाँ जाने में सुविधा हुई है तो उन्होंने वहाँ बसना प्रेफर किया है, और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा उनको ये भी फायदा हुआ है कि जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, ऑप्शंस बढ़े हैं, तो उन्होंने अपने वर्क प्लेस के पास भी रहने की उनकी जो है वो बढ़ी है और उसके हिसाब से उन्होंने फिर वर्क प्लेस के पास रहना पसंद किया है, वहाँ पे भी ऑप्शंस उनको अवेलेबल हुए हैं, रियल इस्टेट डेवलपर्स को भी नए नए एरिया डेवलप करने के लिए मिले हैं जहाँ पहले उसकी ऐसी सुविधा ना होने की वजह से नहीं रियल इस्टेट डेवलप हो रहा था। तो ओवरऑल NCR में और सब शहरों में
इसका फायदा पहुंच फायदा रहा जरूर पहुंच रहा है, और मेट्रो ने इसमें काफी हद तक कहा जा सकता है कि योगदान दिया है, और इसी वजह और जाहिर है जिस तरीके से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजिली अवेलेबल होगा, कंफर्टेबल होगा, लोग उन्हीं जगहों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, चुनते हैं, और कोशिश यही रहती है लोगों की कि उन जगहों को चुना जाए जहां पर सहज तरीके से पहुंचा जा सके। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली अगर आम बजट में घोषणाओं कर रियल्टी सेक्टर में सुधार लाते हैं तो दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी बाजार में भी तेजी आ सकती है। ऐसे कौन कौन से सुधार हैं जो करने चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एनसीआर में प्रॉपर्टी की खरीद में कब आएगी तेजी? इन दिनों एनसीआर और आसपास शहरों की प्रॉपर्टी की खरीद में तेजी का सबको इंतजार है, चाहे वो बिल्डर्स हो या निवेशक। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके दायरे में एनसीआर का भविष्य समाया हुआ है, जिनके सुधरने पर पिछले कितने सालों से रियल्टी सेक्टर में स्लो डाउन की मार झेल रहे प्रॉपर्टी बाजार के अच्छे दिन आ जाएंगे। क्योंकि जब पूरे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ अहम मुद्दों पर कदम उठाए जाएंगे तो जाहिर है कि दिल्ली एनसीआर को भी फायदा होगा। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अगली 11 जुलाई को मोदी सरकार का पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। इस बजट के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बनाई गई योजनाओं का भी खुलासा हो जाएगा। इसी के साथ ही दिल्ली एनसीआर रियल्टी बाजार को नए बजट से काफी उम्मीदें हैं। गौरतलब है कि चुनाव जीतने से पहले मोदी ने चुनावी जनसभाओं के दौरान गुजरात के विकास मॉडल का बखान किया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी इस बजट में अपने उसी विकास मॉडल से जुड़े कुछ नए आइडिया लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली अगर आम बजट में घोषणाएं कर रियल्टी सेक्टर में सुधार लाते हैं तो दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी बाजार में भी तेजी आ सकती है। नई सरकार इनडायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में सुधार के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू कर सकती है। इनकम टैक्स कानूनों को लेकर लंबित डायरेक्ट टैक्स कोड को लागू करके कॉरपोरेट जगत को थोड़ी राहत दी जा सकती है। बैंक की ब्याज दरों में कटौती होने से रियल्टी में खरीदारी तेज हो सकती है। गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद में मेट्रो लाइन के विस्तार से भी प्रॉपर्टी बाजार रफ्तार पकड़ सकता है। भविष्य में ओखला पक्षी विहार की वजह से नोएडा में अपार्टमेंट के आवंटन पर रोक। मुंबई में कैंपा कोला अपार्टमेंट ध्वस्त करने जैसे फैसले से रियल एस्टेट पर असर ना पड़े, इसके लिए सरकार से ठोस कदम की अपेक्षा। हर परिवार को फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में जमीन का लैंड बैंक बनाने की जरूरत। रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए NH24 और NH58 सड़क को चौड़ा करने की जरूरत है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह कॉरपोरेट जगत और अच्छे दिनों की आस लगाए बैठी आम जनता दोनों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, और देखना यह भी है कि रियल एस्टेट में खरीदारी की रफ्तार कितनी तेज होती है। सुदर्शन न्यूज के लिए बिजनेस डेस्क से मनु लखोत्रा की रिपोर्ट। तो अपना पहला बजट मोदी सरकार को पेश करना है जल्द ही वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसद में 11 जुलाई को बजट रखेंगे। कुछ उम्मीदें हैं रियल स्टेट सेक्टर को, जिसे अगर वित्त मंत्री पूरा करते हैं तो उससे रियल स्टेट सेक्टर में तेजी आ सकती है, और अगर ये चीजें पूरी होती हैं तो जाहिर है जैसे अगर ब्याज दरों की बात की जाए तो उसके बाद लोगों का जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा रियल स्टेट सेक्टर में बढ़ सकता है। लेकिन तपन जी, हम मेट्रो का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से, क्या सिर्फ मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर एक्सटेंशन है वो क्या सिर्फ वही इम्पैक्ट डालता है रियल स्टेट सेक्टर पर, या कुछ और खामियां हैं जिन्हें पूरा किया जाना जरूरी है? नहीं देखिए, कोई रिहायशी कॉलोनी बसाई जाती है तो
तो कनेक्टिविटी तो एक इम्पॉर्टेंट मसला होता है कि कितनी दुनिया के कई देशों में, जैसे हम उदाहरण के लिए बीजिंग को ले सकते हैं, टोक्यो है, लंदन है, ये 200 से 300 किलोमीटर के सर्कल में फैला हुआ है और यहाँ बसे हुए लोग ग्रेटर ब्रिटेन या आसपास के, ग्रेटर लंदन और आसपास के इलाकों से जो यात्रा करते हैं, मैक्सिमम इनका डिस्टेंस एक घंटे का होता है या सवा घंटे का होता है। बीजिंग में भी यही हाल है, मेट्रो की लाइनें वो करीब 500 किलोमीटर बिछा चुके हैं, शायद अगले 5 साल में हम बीजिंग के बराबर हम भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि डीएमआरसी अपनी ओर से ईमानदार दिख रही है, उसके कंस्ट्रक्शन का काम भी ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी है, अंदर की व्यवस्था भी अच्छी है। मेट्रो स्टेशन के बाहर जब आदमी निकलता है तो असुरक्षित महसूस करता है, खोमचे वाला आपको खड़ा मिलेगा, उसको पुलिस रोकती नहीं है, घर जाना है तो ऑटो वाला मनमाना रेट मांगता है, और गाजियाबाद में तो खैर लॉ एंड ऑर्डर और ये ऑटो वाले के किराए का कोई हिसाब नहीं है। आपको राजनगर यदि जाना है वैशाली मेट्रो से तो वो 75 भी मांग सकता है, 150 भी मांग सकता है, 200 भी मांग सकता है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? ना अखिलेश सरकार को चिंता है, ना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को चिंता है। और देर रात यदि हो गया तो महिला है तो उसके साथ कोई बुरी घटना हो सकती है, व्यापारी है तो उसके साथ भी हो सकता है। इस पर मैं बंबई का उदाहरण दूंगा, बंबई और ठाणे को मैंने करीब से मुआयना किया, वहाँ उपनगरीय ट्रेनें चलती हैं, उपनगरीय ट्रेनों से जो लोग उतरते हैं वो अपने 4 या 5 किलोमीटर दूर अपार्टमेंट में बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे 500 फ्लैट है, 600 फ्लैट है, वहाँ एक कॉमन मिनी बस होती है जिसमें लगभग 10-12 या 18 सवारी ऐसे यात्रा कर सकती है और हर आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी पर ठाणे और आसपास के स्टेशनों से अपार्टमेंट तक पहुंचा देती है। तो मैंने देखा कि कारों पर निर्भरता और बसों पर निर्भरता घट जाती है, ऐसा प्रयोग दिल्ली में नहीं हो रहा है। इसमें RWA योगदान दे सकता है, बिल्डर इसको प्रोत्साहन दे सकता है। इस पर संतोष यादव ने बहुत कोशिश की थी कि कनेक्टिविटी वैशाली से बढ़ाई जाए, लेकिन गलती क्या हो गई कि उन्होंने बड़ी साइज की बस लगा दी जिसमें 60-64 यात्री बैठ सकते थे, वो सवारी भरती नहीं थी और उसके पहले ऑटो में लोग चले जाते थे, तो खाली बसें चली, वो फेल हो गई मिशन। तो दिल्ली में जिस तरह से छोटी बसें चलाई जाती हैं, वैसी गाजियाबाद में, फरीदाबाद में भी चलाना पड़ेगा, तभी दिल्ली मेट्रो सक्सेस हो पाएगा अपने मिशन में। विवेक जी, कोशिश तो बिल्डर्स की तरफ से भी की जा सकती है, क्या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर डाल दें, क्योंकि जाहिर है बिजनेस जो है वो तो बिजनेसमैन की प्रोत्साहन से ही चलता है। बिल्डर इसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक बार जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वो पजेशन दे देता है, तो उसके बाद RWA इसको आगे मेंटेन करती है, और आगे की जब लोग रहने लगते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी और उस चीज़ को लेके फिर RWA और उनका सहयोग और बढ़ जाता है। तो इसमें जो है, जो मेजर हमारा जैसे मेट्रो है या बस स्टैंड है या रेलवे है, जो मेजर हमारा ट्रांसपोर्ट का वो है, उस तक लोग कैसे पहुंच सके, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उसमें वहाँ के लोगों को, सरकार को, और नेचुरली बिल्डर जो कि उसका इनिशिएटर है प्रोजेक्ट का, उन सबका रोल अहम हो जाता है। सूरज, यहाँ पर विवेक गर्जी को मैं यहाँ बता दूं कि जो अपार्टमेंट के अंदर में जैसे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या बिजली की व्यवस्था है, तमाम चीजों के लिए इवन सिक्योरिटी का एडवांस पैसा ले लिया जाता है, हर जगह निवेशक जो है, फ्लैट खरीदार पैसा देने को तैयार है, आप हर चीज का पैसा मांगते हैं कि 3 किलोवाट यदि आप कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको 45,000 देना होगा, आप सिक्योरिटी का सिस्टम ले चीजें चाहिए या इसका मेंटेनेंस का भी एडवांस दे देते हैं, तो मुझे मतलब इसे भी जोड़ा जा सकता है। नहीं, इसमें बिल्डर क्रेडाई को भी पहल करनी होगी, जो बिल्डरों का संगठन है, और बिल्डर स्वयं पहल करें कि क्यों नहीं आप एडवांस में ही पर फ्लैट, आप कहते हैं कि भाई हम गाड़ी खरीदेंगे, आप हर फ्लैट से 20,000 रुपए, 15,000 आप कंट्रीब्यूशन लीजिए, और आपके पास 1 या 2 गाड़ी जब हो जाएगी तो बसों का, जो मिनी बसों का कनेक्टिविटी होगी, तो ये बिल्डर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में आइडियाज नहीं आ रहा है कि इसको हम फ्लोट कैसे करें, और यदि नहीं सुनते हैं तो GDA और DDA को इन पर दबाव डालना चाहिए कि किसी तरह ये नियम लागू होना चाहिए। आखिरकार घर तक तो आदमी को तो सुरक्षित पहुंचना चाहिए ना। बिल्कुल, शौर्य, कहीं ना कहीं फायदा इससे जरूर हो सकता है, और जिस तरीके से यहाँ पर तपन जी बता रहे हैं, एक कंट्रीब्यूशन के जरिए इस काम को किया जा सकता है, बिल्डर्स इन कामों को क्यों नहीं करते हैं फिर? देखिए, तपन जी ने एक बहुत सही रीजन दिया, एक तो अभी तक ये आइडिया इतनी अच्छे से फ्लोट नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ कर दें। दूसरी चीज, एक विवेक जी ने बहुत सही पॉइंट बोला कि
बिल्डर जो है उसका काम होता है चीज को डेवलप करना, डेवलप करने के बाद वो आरडब्ल्यूए को हैंड ओवर कर देता है जी। अब मेजर रोल इसमें आरडब्ल्यूए का आ जाता है कि आरडब्ल्यूए अपने जो सारे रेजिडेंट हैं उनके साथ एक कंट्रीब्यूशन करके, इसका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करके ऐसी चीजें चलाएं। बिल्डर अगर चाहे तो हाँ एक एक्स्ट्रा चार्ज करके मिनी बस जरूर खरीद सकता है, पर उसके बाद उसे चलाना, उसे मेंटेन करना, वो सब आरडब्ल्यूए को ही करना पड़ेगा जी। कुछ So, ये कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से आएगा जी। बिल्कुल कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से आ सकता है, लेकिन फायदा जिस तरीके से तपन जी ने बताया कि इससे फायदा जरूर हो सकता है, एक नया आइडिया यहां पर इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन रविशंकर जी, मैं आपसे नोएडा के नजफगढ़ की तरफ, द्वारका से नजफगढ़ की तरफ एक्सपेंशन जो मेट्रो का हो रहा है, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। नजफगढ़ को कितना फायदा होने वाला है? जाहिर है जाम की परेशानी काफी ज्यादा है वहां पर भी। उसके बाद क्या लोगों की जो कनेक्टिविटी, जो मेट्रो कनेक्टिविटी वहां पर होने वाली है, कौन कौन से इलाकों को वहां पर फायदा हो सकता है और लोगों का किस तरीके का इंटरेस्ट आप देख रहे हैं? नजफगढ़ की तरफ जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक्सपेंशन और फर्दर होने जा रहा है। एनसीआर में आप देखेंगे कि रोहतक को भी ले लिया गया है, तो एनसीआर का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, और उसको बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जो दे रहा है वो मेट्रो है, कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं। तो जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, दायरा बढ़ रहा है, जो वहां पर लैंड है, लैंड अप्रिशिएट हो रही है, लोग इन्वेस्टर वहां आ रहे हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो नजफगढ़ में कई दिन पहले से जो हरियाणा गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट किया उसके लिए भी काफी अच्छा रुझान था लोगों का, काफी इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया, बिल्डर्स ने भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर अनाउंस किए, और यह बढ़कर रोहतक तक चला जाएगा जी। तो ये फायदा तो वहाँ के लोगों को होगा ही, और एनसीआर पे जो लोड है वो भी डेफिनेटली कम होगा। लोग अभी एक घंटे में अगर वहाँ से सेंट्रल प्लेस जो दिल्ली में है वहाँ आ सकते हैं तो वहाँ भी रहना पसंद करेंगे लोग, दिल्ली के ऊपर लोड नहीं बढ़ाएंगे। विवेक जी, आपको क्या लगता है नजफगढ़ के हिसाब से जिस तरीके से मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है? नजफगढ़ के डेवलपमेंट में कुछ चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। डीडीए की अब पुलिंग पॉलिसी आ रही है और डीडीए भी दिल्ली में अपने कंस्ट्रक्शन को और डेवलपमेंट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट को प्राइवेट डेवलपर्स को देने की तैयारी कर चुका है, नोटिफिकेशन उसका हो चुका है। तो अभी नजफगढ़ का एरिया, उसका डेवलपमेंट डीडीए ने उसको ईयर मार्क किया है, तो उस एरिया में भी फ्लैट आएंगे और उस एरिया में भी डीडीए के रोड्स नेटवर्क और वो सारा सर्किल बनेगा, उसका फायदा नजफगढ़ को मिलेगा, दिल्ली को मिलेगा। बट एनसीआर में जरूर थोड़ी सी ओवर सप्लाई की समस्या हो सकती है उसकी वजह से। प्लस द्वारका एक्सप्रेसवे में जो एक बॉटल नेक फंसा हुआ है, जो कुछ किलोमीटर की रोड बहुत दिनों से क्लियर नहीं हो रही है, उसको क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है शौर्य, जिस तरीके से अभी एक्सपेंशन की बात की गई है, मेट्रो को जो है नया बस अड्डे तक बढ़ाने की बात की गई है, उधर प्रॉपर्टी में इजाफा हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है, न्यूज आने से ही, मतलब जब से अप्रूव हुआ है, पास हुआ है, वहीं से डिमांड लोगों की ज्यादा बढ़ गई है, लोग ज्यादा इच्छुक हैं उस जगहों पे जाने के लिए जहां पे वो पहले से सोचते थे पर कनेक्टिविटी ना होने के कारण पीछे हटते थे। सो पहले से ही जहां एक्सपेक्टेड है मेट्रो, वहां पे डिमांड आनी शुरू हो गई है। लेकिन सिर्फ मेट्रो के आने से क्या डिमांड बढ़ जाएगी? बाकी जो फैक्टर्स हैं, या हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या बाकी सुविधाओं की बात करें, वो भी तो जरूरी है, उसके लिए जीडीए की तरफ से क्या किया गया है? देखिए, बाकी लॉ एंड ऑर्डर और जितनी चीजें हैं वो सारी, पहली चीज तो लॉ एंड ऑर्डर में जीडीए का इतना रोल नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर में मेजर रोल जो आता है वो स्टेट गवर्नमेंट का आता है। बिल्कुल, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी साइड से, अगर आप देखें, अखिलेश यादव जी ने अपनी साइड से काफी आश्वासन दिए हैं कि चीजें सुधरेंगी। काफी चेंजेस भी अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में इलेक्शंस के बाद उनकी सरकार में हुए हैं और काफी चीजें इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की गई है, जिसके कारण एक्सपेक्टेड है कि चीजें सुधर सकती हैं। मेट्रो सिर्फ एक रीजन नहीं होता, बहुत सारे रीजन होते हैं, पर हाँ एक मेजर रीजन जरूर होता है। NS24 के अगर एक्सपेंशन की बात करें या उसको जैसे चौड़ा करने की बात की जा रही है, एक ड्रॉबैक रहा है NS24 का, लोगों ने अगर कम इंटरेस्ट यहाँ पर लिया है तो NS24 की जो कम चौड़ाई, वहां पर कनेक्टिविटी जो बेहतर नहीं हो पाई, वो भी एक रीजन रहा है। उसे जो है सही तरीके से या सही टाइम पर इम्प्रूव नहीं किया गया, शायद इसीलिए लोगों को NCR में या NS24 से कनेक्टेड जो इलाके हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। आपको क्या लगता है? ऐसा है, शुरू से ही ऐसा है। NS24 हमेशा से ही एक बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया रहा है। अगर आप मॉर्निंग और पीक आवर्स की बात करें
तो NH24 पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, पर एट द सेम टाइम अगर आप लेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स देखें तो सर्विस लेन्स जो है साइट की वो काफी इंप्रूव कर दी गई है। अब जो है ट्रैफिक जो है पीक आवर्स में भी काफी कम हो गया है, बिकॉज द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक जो है वो इंप्रूव कर दिया गया है। और NH इसका रीजन यही है कि उनका माइंड है कि अब NH24 को प्रॉपरली बनाया जाए, उसको रोड्स को वाइड किया जाए, पर उससे पहले उन्हें ट्रैफिक की फ्लो का इंतजाम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन शुरू काम शुरू हो गया और पता चला उस काम के कारण लोगों को हद से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तपन जी, GDA की तरफ से ये कोशिशें की गई हैं मेट्रो को अगर लाने की बात है या मेट्रो को प्रोत्साहित करने की बात है या बात DMRC से बात करने की बात है, GDA ने कोशिशें की हैं, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। देखिए GDA जो है राज्य सरकार का ही एक हिस्सा है, जहां संतोष यादव जो उसको लीड कर रहे हैं एक कुशल IAS अधिकारी हैं। मेरी जितनी बार भी संतोष यादव से बात हुई मुझे उनकी कल्पना पर बहुत खुशी हुई कि वो गाजियाबाद को एक मॉडर्न टाउन बनाना चाहते हैं, जहां पर कनेक्टिविटी से लेकर सड़कें अच्छी करना और धन कैसे प्रोवाइड किया जाए। एक सीनियर अफसर होने का फायदा होता है कि नोएडा अथॉरिटी से भी वो डायरेक्ट बात करते हैं। नोएडा पर उन्होंने दबाव डाला कि NH24 को पैसा जो देना है उसमें शेयरिंग होगी GDA की और यूपी सरकार डायरेक्ट नहीं देगी, वो नोएडा अथॉरिटी को देना है और तीसरा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा लेके बैठी हुई है, ये फंडिंग जो पहल करना है उसमें संतोष यादव ने अच्छी भूमिका निभाई और इसकी वजह से मुझे लगता है कि अब वो 8 लेन की सड़क जो है वो लाल कुआं तक या उससे भी आगे हापुड़ रोड तक ले जाने की बात हो रही है, तो वो बन गया। तो आप समझिए कि वैशाली, वसुंधरा, गाजियाबाद, नोएडा और आगे जाकर जो प्रताप विहार है या क्रॉसिंग रिपब्लिक है उससे भी आगे आप जाइए तो बहुत सारी कॉलोनियां बस गई, इन सबको फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा। चौड़ा करने के बाद इसी रूट से मेट्रो को भी ले जाना है सेक्टर 62 और इंदिरापुरम से, इसका एक लाभ होगा। लेकिन जैसा कि हम बताते हैं कि अपने जो सुदर्शन चैनल के प्रॉपर्टी बाजार के शो में हम बार बार सरकार को सुझाव देते हैं और बिल्डर को भी सुझाव देते हैं कि क्या कमियां हैं आप ठीक कीजिए। जैसे हमने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद घर तक सुरक्षित कैसे जाएंगे, इसकी मिनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे लागू होगा, इस पर बिल्डर और RWA की पहल करनी चाहिए। पहले तो बिल्डर को करना चाहिए कि भाई गाड़ी खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कौन करे, और जब चालू हो गया तो उसको संचालन की जिम्मेवारी RWA को सौंप दिया जाए। और इसकी वजह से बहुत सारे बिल्डरों के जो फ्लैट नहीं बिक रहे हैं या आकर्षण नहीं है उनके प्रति आकर्षण बढ़ाए। ये आइडिया नोएडा एक्सटेंशन को भी मैं दे रहा हूँ, लेटर नोएडा को भी दे रहा हूँ कि यदि उन्होंने अपनी स्कीम में इसकी घोषणा कर दी कि हम अपने यहाँ इस तरह की गाड़ियां रखेंगे, उनको अपनी जेब से नहीं देना है, उसका एक टिकट होगा। जैसा मैंने ठाणे में देखा कि 10 से 20 रुपए के टिकट है दूरी के हिसाब से, और वो मैंने पूछा कि क्या इससे बिल्डर को घाटा हो रहा है या RWA को घाटा हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि 1 रुपए का घाटा नहीं हो रहा, इसी से ड्राइवर का वेतन चल रहा है, एक मैनेजर की भी तनख्वाह निकल जाती है। तो एक प्रयोग करना है, प्रयोग करना क्या लिफ्ट का पैसा बिल्डर अपनी जेब से देते हैं, कतई नहीं, बिल्कुल लिफ्ट तो ऐसा फ्लैट रहने वाले देते हैं, किया जाता है। उसी तरह जनरेटर जो वहां रखा जा रहा है, लोगों के पास पैसा है, कार रखने में ज्यादा खर्चा है, एक घर में दो दो तीन कार कितनी कारें रखी जाएं। जब इस तरह का हम कॉमन फैसिलिटी दे देंगे तो हम लंदन और फिर बीजिंग की तरफ बात कर सकेंगे कि हमारे पास दूसरा एक लॉ एंड ऑर्डर है जिसमें अखिलेश सरकार को हर हाल में नोएडा और गाजियाबाद को श्रेष्ठ पुलिस व्यवस्था देनी होगी। आज जैसा रेल बजट पेश किया गया है लखनऊ में, उस बजट से एक संकेत आया है कि पुलिस व्यवस्था के लिए इस बार अच्छा खासा पैसा एलोकेट हुआ है। अब गाजियाबाद नोएडा को कितना हो रहा है वो हमें पता लगाना है कि उनसे कितनी गाड़ियां वो खरीदेंगे, किस तरह के थानों को दुरुस्त करेंगे, कुछ नए थाने बनाने की बात है। दूसरा मेट्रो की भी घोषणा आज यूपी के बजट में की गई है, जो पहले से सबको पता है कि गाजियाबाद के बजट का अनाउंस हुआ है मेट्रो का और लखनऊ के मेट्रो का, तो ये दो अच्छी खबरें आज यूपी के बजट से निकल कर आई है। तो मुझे लगता है कि चौतरफा एक आम आदमी जिस तरह से हमने देखा है कि जब मंत्री खुद ऑटो में सफर करे या
नेशनल हाईवे 24 पर बगैर लाल बत्ती गाड़ी में चलकर देखे तो उसे एहसास हो जाएगा कि आम आदमी का चलना बेहद मुश्किल है। जो काम 10 साल पहले एनएस 24 को चौड़ा करना था, अभी आपने बताया, सॉरी जी ने बताया कि एनएस 24 के बाई लेन बनाए गए, सर्विस लेन बनाए गए, लेकिन चौड़ीकरण का काम कहां हुआ? फंडिंग में बहुत देरी हो गई, और फंडिंग जो है बिल्डर के प्रोजेक्ट को या सरकारी योजना है उसके किनारे, तो इनका सिद्धार्थ विहार योजना भी तो आ रही है आवास विकास परिषद की, ये सारे प्रभावित होते हैं। लोग डिसीजन को होल्ड कर देते हैं, कई लोग फ्लैट कैंसिल करा देते हैं कि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो हम सिर्फ पहल की बात कर रहे हैं कि सरकार और रियलिटी कंपनियां दोनों को मिलकर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा जिससे लगे कि हाँ वाकई में ये भारत का एक सुंदर शहर है, एक अच्छा शहर है। रविशंकर जी, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो देरी की जाती है, जिन तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर तपन जी ने किया, इसका खामियाजा रियल एस्टेट सेक्टर को भरना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही है, अगर वक्त रहते हम चीजों को फ्यूचरिस्टिक से प्लान करें तो ये समस्या नहीं आएगा और हम बहुत सारे रिसोर्सेज को बचा पाएंगे। अभी एनएस 24 में लोग घंटों जाम में खड़े रहते हैं, उसमें जो पेट्रोल की बर्बादी है, डीजल की बर्बादी है, वो इतना ज्यादा है कि शायद अगर हम साल भर का उसका खर्चा निकालेंगे तो उस रोड का खर्च, रोड का जो बजट है वो उसमें बहुत सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन वही अगर फैसला हम समय रहते ले लें तो ये चीजों से बचा जा सकता है, लोग इनकन्वीनियंस से बचेंगे और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर एप्रिसिएशन हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर उन्होंने 10 साल पहले किया होता वो प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर 1000 करोड़ का होता, अगर आज करेंगे वो शायद 2000 करोड़ का होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है देरी से, अब उनके लिए जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट यहां पर सलाह दे रहे हैं कि फायदा तभी हो सकता है कि अगर टाइम पर इंप्लीमेंट उन तमाम प्लान्स को किया जाए, एनएस 24 की बात हो जो कम से कम अब से 10 साल पहले का यहां पर जिक्र किया गया है कि आज से 10 साल पहले उसे चौड़ा कर देना चाहिए था, एनसीआर को काफी फायदा होता, कनेक्टिविटी बेटर हो सकती थी, लोग और ज्यादा इंटरेस्ट वहां की प्रॉपर्टी में ले सकते थे। नजफगढ़ की जो मेट्रो एक्सटेंशन हो रहा है, मैं उस पर आना चाहूंगा। विवेक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर नजफगढ़ और मेट्रो का ये जो कनेक्टिविटी हो रही है, नजफगढ़ के साथ साथ ही और कौन कौन से इलाकों को फायदा हो सकता है, अगर लोगों को आप टिप्स देना चाहें कि अगर वहां पर इन्वेस्ट करें तो? नजफगढ़ के साथ जितना भी हमारा वेस्ट दिल्ली है और नॉर्थ दिल्ली है, जो उस तरफ का सारा इलाका है, नांगलुई है और वो सारा है, उस सबको बहुत फायदा होगा। रोहतक, उसके साथ बल्लभगढ़ जो हमारा डेवलप हुआ है, हो रहा है, बल्कि उसके डेवलपमेंट में शायद ये थोड़ा सा एक बॉटलनेक रहा है, शॉर्ट कमिंग रही है, तो इस सब एरियाज को, इन सब से बहुत फायदा होगा। मेट्रो के अलावा रोड कनेक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसके साथ उस एरिए के विकास में रोड्स का और उसका भी बहुत रोल होता है। वही मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो बॉटलनेक है उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे अभी भी रुके हुए हैं, बन रहे हैं बट रुके हुए हैं, वो अगर रूट क्लियर होती है और वो सब रूट होता है तो उससे कनेक्टिविटी और बाकी चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। सो अच्छा, फिर लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे कि नजफगढ़ को डीडीए डेवलप कर रहा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और प्राइवेट बिल्डर्स आएंगे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जी तब जी, आपको क्या लगता है नजफगढ़ की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से बूम होने वाली है मेट्रो के हिसाब से? ये विवेक जी की बात से मैं सहमत हूँ कि आने वाले वर्षों में, आने वाले महीनों में नजफगढ़ एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। पहली बात है कि मेट्रो ट्रेन, मेट्रो रेल लाइन वहां तक जा रही है जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। 3 स्टेशन बन रहा है, करीब 4.5 किलोमीटर द्वारिका मोड़ से जाएगा, तो द्वारिका मोड़ पर जो मेट्रो का जो दबाव है वो घट जाएगा और लोग आसानी से नजफगढ़ और दूसरा नांगलोई का इलाका जो है, ये यहाँ पर खासियत क्या है कि बहुत सारे लैंड सरप्लस पड़े हुए हैं, लोगों ने खरीद लिए हैं। डीडीए का जो है, मैं आम आदमी की भाषा में समझा दूं कि ये पुलिंग सिस्टम क्या है कि डीडीए ने अपने एक नियम में बदलाव लाया है। पहले जैसे मेरा 150 गज का जमीन हो और सौर्य जी के 200 गज का प्लॉट है और रविशंकर जी का 200 गज का है, तो ये सारे लोग जो अलग अलग जो थे मिलकर ये प्लॉट को मर्ज नहीं कर सकते थे। अभी डीडीए ने अपनी पॉलिसी में कहा कि यदि आप तीनों चारों पड़ोसी मर्ज कर देते हो, मकान भी है तो उसको तोड़ दो, और ये किसी बिल्डर से यदि एग्रीमेंट हो जाता है तो ये पुलिंग सिस्टम हुआ, पुलिंग को 400 गज या 600 गज या 1000 गज में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद जो लैंड लॉट से जो एग्रीमेंट होगा, आइदर आप उसको कंपनसेशन दे दो, पैसा दे दो जमीन का दाम, अथवा
उसकी जगह पर उनको फ्लैट उनकी उनके हिस्से में एक फ्लैट, दो फ्लैट, चार फ्लैट जो भी आएगा गज के हिसाब से जो भी होगा। तो ये एक इतना बढ़िया ऑप्शन लैंड पुलिंग का आ रहा है कि हमें लगता है कि सैकड़ों अपार्टमेंट आपको आने वाले वर्षों में नजफगढ़ के इलाके में, द्वारका मोड़ के इलाके में या नांगलोई के इलाके में दिखेगा। मेट्रो तो जा ही रहा है, नांगलोई को भी ऐसा कनेक्ट करने का काम शुरू होने वाला है, बल्कि हो रहा है। तो ये इलाका जो पश्चिम दिल्ली का है, सिर्फ ये कहूंगा कि जितनी आसानी से आप वैशाली मेट्रो से आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, कनॉट प्लेस को सेंटर माना जाता है पूरे दिल्ली को, या केंद्रीय सचिवालय या पार्लियामेंट को सेंटर माना जाता है, तो 30 से 35 मिनट का। लेकिन नजफगढ़ वाले को यह दूरी तय करने में लगभग एक घंटा लगेगा। तो आकर्षण इधर रहेगा, नोएडा या वैशाली रहेगा, इनकी दूरी कम रहेगी। लेकिन सेकंड ऑप्शन में नजफगढ़ बढ़ेगा, खास करके उनके लिए जिनकी मानसिकता है कि दिल्ली में ही रहना चाहिए, हमारा एड्रेस दिल्ली हो, ऐसे लोग दिल्ली की ओर भागेंगे। अब दिल्ली में तो एक खासियत जरूर है, उसकी तारीफ हम कर सकते हैं अपने कार्यक्रम में, कि बिजली नो डाउट कि वो फरीदाबाद और गाजियाबाद से बेहतर बिजली दिल्ली में सप्लाई होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में नजफगढ़ के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। तो हमारे पास मानी पूरब में नोएडा एक्सटेंशन नोएडा और पश्चिम में नजफगढ़ एक बड़ा ऑप्शन खुलने वाला है, और द्वारिका एक्सप्रेसवे का आकर्षण घट सकता है। जैसा कि एक सड़क का जो एक पोर्शन बचा हुआ है जो आज तक किसानों से समझौता नहीं हो पा रहा है, वो चौड़ाई जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक द्वारिका एक्सप्रेसवे आकर्षण नहीं बढ़ेगा, तो वो आकर्षण डाइवर्ट हो जाएगा नजफगढ़ की ओर। बिल्कुल, नजफगढ़ में लेकिन जो है तमाम, अगर मेट्रो का एक्सपेंशन वहां तक हो रहा है जिस तरीके से, एक बूम वहां की प्रॉपर्टी में आ सकता है, फायदा वहां पर लोगों को बेहतर तरीके से हो सकता है, जैसे यहां पर तपन जी और विवेक जी दोनों ने बताया। लेकिन मैं बजट पर थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों की टिप्पणी चाहता हूँ। बजट जो है अभी हाल ही में आने वाला है, अरुण जेटली कुछ दिनों में जो है बजट रखेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? शौर्य जी आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, रियल स्टेट सेक्टर इस वक्त क्या चाहता है? जाहिर है कोशिशें, पहले जो उम्मीदें यही थी कि मोदी अगर सरकार में आते हैं या जो एक स्थायी सरकार बनती है तो बूम आएगा रियल स्टेट सेक्टर में, लेकिन उसकी जो बानगी है या उसका उदाहरण है वो अभी तक देखने को मिल नहीं रहा है। देखिए, बजट जब आता है तो बजट से सिर्फ रियल स्टेट नहीं, हर सेक्टर को बहुत उम्मीदें होती हैं। उसी तरीके से रियल स्टेट को भी हर साल बहुत उम्मीदें होती हैं। कई सालों से देखा जाए तो पिछली सरकार ने रियल स्टेट के लिए कुछ अलग से बजट में नहीं निकाला है। कुछ इंटरेस्ट रेट वगैरह में डिफरेंस जरूर किया है, पर इस वक्त इंटरेस्ट रेट पे एक्सपेक्टेड है कि अगर कुछ अच्छा आ जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो रियल स्टेट पे एक पॉजिटिव न्यूज आएगी। जी, दूसरा, बजट का इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, पर देखा जाए तो गुजरात में मोदी जी ने सिंगल विंडो सिस्टम जो निकाला उसके कारण रियल स्टेट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सो इसीलिए एक्सपेक्टेड था कि मोदी जी ने जो गुजरात में डेवलपमेंट की है, अगर वही डेवलपमेंट वो पूरे इंडिया में लाते हैं तो सिर्फ इंडिया बीइंग उसमें बने कुछ एक्सपेक्टेशन है ऐसी। हाँ जी, तो पूरे इंडिया में अगर लेके आते हैं तो पूरा इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो सकता है। जी, तीसरा, अगर हम देखें तो बजट में डिपेंड करता है कि क्या कितना अमाउंट, कितना मनी कौन से सेक्टर को अलॉट करते हैं। उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, मेट्रो आप इतनी देर से हम डिस्कशन कर रहे हैं, मेट्रो पे डिपेंड करता है। इन सब चीजों का रियल स्टेट पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ता है। अगर नई कंपनियां आती हैं, इन्वाइट करते हैं कंपनियों को कमर्शियल में कुछ फायदा दिया जाता है, टैक्सेशन में दिया जाता है, उनकी ग्रोथ में उनको फायदा दिया जाता है, तो वो और फैलना चाहेंगी और अपने आप को एक्सपैंड करना चाहेंगी। जी, जब वो एक्सपैंड करेंगी वो डिफरेंट जगहों पे अपने ऑफिसेस खोलेंगी, अगेन रियल स्टेट को फायदा होगा। जी, सो कई तरीके हैं जिससे रियल स्टेट को फायदा किया जा सकता है। विवेक जी, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ लोगों को की परचेजिंग पावर बढ़ाकर रियल स्टेट में फायदा बढ़ाया जा सकता है, या कुछ उम्मीदें हैं बजट से कि कुछ ऐसी चीजें की जाएं जिससे रियल एस्टेट को फैक्टर हो, और कौन कौन से वो एक्सपेक्टेशंस हैं? सी, रियल एस्टेट की जो इस समय मेजर प्रॉब्लम है डेवलपर्स की, वो उनकी लिक्विडिटी क्रंच है। वो प्रोजेक्ट को बना नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से डिलीवरी ना होने की वजह से भी हमारी परचेजिंग लोगों ने होल्ड कर रखी है, क्योंकि उससे ट्रस्ट फैक्टर जो है वो डाउन होता है। ट्रांसपेरेंसी का ऑलरेडी एक इशू है। सो सरकार से जो रियल एस्टेट सेक्टर जो उम्मीद करेगा वो तो ये है कि सरकार किसी तरीके से उसको मदद करे, चाहे FDI के रूप में, बैंकों से लोन के उसके सरलीकरण में या उसके बेटरमेंट में, ताकि वो लिक्विडिटी क्रंच कम हो और वो प्रोजेक्टों को आगे डिलीवरी की तरफ ले जा सके। दूसरा इशू, नेचुरली
इंटरेस्ट रेट का है, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनके पास सरप्लस इनकम आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट की हेल्थ ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ को हमेशा दर्शाता है जी। तीसरी चीज, डेवलपर या बिल्डर अपना एक छोटे से एरिया में काम करता है, बट उस एरिया का कनेक्टेड दूसरे एरिया से होना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका डिस्पोजल, सारी चीजें सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अर्बन डेवलपमेंट पे सरकार इस बजट में कितना एलोकेट करती है और कितना उसको जो है उस पे एम्फेसिस देती है, उसका भी रियल एस्टेट पे बहुत ज्यादा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है रविशंकर जी, लगातार मोदी काफी ज्यादा अपने भाषणों में बोलते हुए नजर आए हैं। अगर इस बार अरुण जेटली जो बजट पेश करने वाले हैं, पहला आपके हिसाब से कौन कौन सी वो चीजें होनी चाहिए या कौन कौन सी वो सुविधाएं होनी चाहिए जो लोगों के लिए भी और तमाम बिल्डर्स के लिए भी की जानी चाहिए, जिससे रियल स्टेट सेक्टर जो है वो जो सुस्त रफ्तार पर है वो कम से कम बूम की स्थिति में रहे या कम से कम थोड़ा उसमें बढ़ोतरी दिखे। देखिए, रियल स्टेट को अगर बेनिफिट करना है तो दो तरीके से हम बेनिफिट कर सकते हैं। एक तो इनडायरेक्ट तरीका हो गया। इनडायरेक्ट तरीका में ऑलरेडी मोदी जी ने बहुत सारे प्रोविजन रखे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो साथ साथ उसके जो उसके बाजू जितने एरिया होती है उनमें रियल स्टेट का डेवलपमेंट होता है जी। अभी अब हम बात कर रहे थे मेट्रो के बारे में, जब मेट्रो आएगा तो मेट्रो से के आसपास जितने भी जगह होंगे उनका डेवलपमेंट होगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां पर लोग अपने पैसे लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली रियल स्टेट को फायदा होगा। दूसरा, मोदी जी ने बात कही थी कि हम हाई स्पीड ट्रेन्स बनाएंगे। जब हम हाई स्पीड ट्रेन्स बनाएंगे तो अगर दिल्ली से मेरठ तक की जो दूरी है वो हम घंटे में अगर तय कर पाएंगे तो शायद ये जो डेवलपमेंट हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं ये यहाँ से मोदी नगर और आगे मेरठ तक पहुँच जाएगी। बिल्कुल, तो ये इनडायरेक्ट फायदा जो है वो हमें बजट से मिलने वाला है, जो कि बहुत हद तक हमें आगे सामने पता लग रहा है। जो डायरेक्टली फायदा करने की बात है रियल स्टेट को, उसमें जैसे कि विवेक जी ने कहा कि इसमें लिक्विडिटी क्रंच जो है, तो एफडीआई का 100% अगर एफडीआई अलाउड हो जाएगा उसके अंदर तो फंडिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। एक दूसरा आपका जो है कि परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर में शायद इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे गवर्नमेंट कम ना कर पाए, लेकिन जो टैक्स के अंदर प्रोविजन है उसमें जरूर फेरबदल कर सकते हैं, और टैक्स के अंदर फेरबदल कर एक इंसान जो जो एम्प्लॉयज हैं उसको एडिशनल टैक्स रिबेट देकर प्रमोट कर सकते हैं कि वो इसमें पैसा लगाए। तो इन चीजों से डेफिनेटली रियल स्टेट जो है वो उसमें कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, लोगों को फायदा हो सकता है, और जो रियल स्टेट सेक्टर से अभी फिलहाल उम्मीदें हैं वो शायद पटरी पर वापस आ सके। तपन जी, इस वक्त अरुण जेटली के हिसाब से या आपके हिसाब से अरुण जेटली को क्या कौन कौन से प्रावधान हैं जो रियल स्टेट सेक्टर के लिए करने चाहिए? मुझे लगता है कि नए बजट में आपको 100 शहर जो भाजपा ने ऐलान किया है, 100 में से पहले चरण में 25 शहर आएंगे या 20 शहर आएंगे इसकी घोषणा होगी, और ये किन किन राज्यों में नए शहर बसाए जाएंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बड़ा तोहफा होगा। इसमें हजारों कंपनियों को, इंजीनियरों को, मजदूरों को काम मिलेगा, पहली तो घोषणा इसकी में मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरा, जो एक बहुत बड़ी डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, जिसकी वजह से 9 महीने से लेकर 12 महीने तक का वक्त बर्बाद होता है। पूरी दुनिया में भारत का सिस्टम बदनाम है कि यहाँ इंडस्ट्री मत लगाओ, यहाँ लगाओगे तो 12 महीने तुम्हारा सरकार के बाबू तुम्हारा टाइम खराब कर देंगे, और चाइना जाओगे तो 1 महीने में सारा सिंगल विंडो सिस्टम में काम हो जाएगा। चाइना में जितने भी भारत के उद्योगपति गए वहां बस गए हैं, बीजिंग हो या अन्य शहर हो, वहां पर बसकर अच्छा धंधा कर रहे हैं, वो लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम से सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा, लैंड पुलिंग सिस्टम, लैंड का अभाव होने जा रहा है भारतवर्ष में। यूपीए शासन ने जाते जाते किसानों के डर से लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को इतना कठिन बना दिया कि ये जमीन नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, ये चीज आसान करने की जरूरत है, मुश्किल होगा कि बड़ी कॉलोनियां बसा सकें। दूसरा है कि बैंक की ब्याज दर जो सरकार के हाथ में नहीं है, 10.5 से 16% की ब्याज दर होने के कारण लोग फ्लैट नहीं खरीद रहे, नया लो तो 10.5%, अगले साल से 12%, तीसरे साल से 16%। तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि सरकार इतनी राहत देगी तो बूम करेगा ये सेक्टर। बिल्कुल, ये तमाम उम्मीदें हैं
रियल स्टेट सेक्टर को, जो वित्त मंत्री अरुण जेटली उनके लिए कह रहे हैं, जिससे लोग जो हैं बेहतर स्थिति में आ सके और रियल स्टेट सेक्टर को कुछ बूम यहां पर मिले। कनेक्टिविटी भी जिस तरीके से हमने यहां पर चर्चा की, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर रियल स्टेट सेक्टर के लिए। बहरहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज प्रॉपर्टी बाजार में इतना ही, लेकिन अगले शुक्रवार सेम टाइम पर इसी समय हम दोबारा फिर मिलेंगे सिर्फ सुदर्शन न्यूज में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।